भाई साहब उछल रही है तो क्या बात है, बहुत ही बढ़िया भाई। भाई ये है होंडा CBR 250 सीसी की बाइक है, ये ट्यूबलेस टायर दोनों अच्छी कंडीशन में है, पीछे वाला तो काफी हद तक नया ही है, आगे वाला थोड़ा सा पुराना है, बट कोई बात नहीं, देख सकते हैं दूर से, इतना जस्टिस नहीं हो रहा। बाकी पास से दिखा देता हूँ, काफी ग्रिप है इसके अंदर, गंदा हो रहा है क्योंकि भाई मानसून चल रहा है दिल्ली के अंदर, तुम्हें पता ही है। पीछे का भी देख लो, पीछे का मैं इससे आगे वाले से ज्यादा नया बोलूंगा। बाकी बॉडी लाइन आप देख सकते हो, ठीक है, बॉडी लाइन क्या है, पूरी ऑल ओरिजिनल है, कोई भी लोकल पार्ट इसका है नहीं, यहाँ का पेंट हट चुका है, वो कोई बात नहीं। देखो जब हम ले लेंगे बाइक तो अच्छी हो जाएगी ये। और इसके इंजन की स्पेसिफिकेशन आपको मैं थोड़ी देता हूँ जितनी मुझे पता है। भाई ये एयर कूल्ड नहीं है, लिक्विड कूल्ड है, देख सकते हैं यहाँ पे कोई जाली वाली देखने को नहीं मिल रही, ठीक है। और दूसरा ये जो है भाई परफॉर्मेंस अगर 220 के हिसाब से देखी जाए तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और भाई इसमें रेडिएटर भी लगा हुआ है, देख सकते हैं अंदर, आप देख सकते हैं ये इधर रेडिएटर मतलब लगा होता है हैवी गाड़ियों के अंदर, ठीक है जी। ये 250 सीसी की गाड़ी है, होंडा का इंजन है, होंडा का इंजन तुम्हें पता है कैसा होता है। बाकी गाड़ी जो है कम चलती है, कम चलती क्या, पहले जब ये चलती थी जो काफ़ी चलती थी, बट अब कुछ पिछले कुछ दिनों से नहीं चल रही, जिस वजह से इसकी हालत देख रहे हो कुछ ऐसी हो रखी है, फुल मडी मडी और इंडिकेटर टूटे हुए, वो कोई बात नहीं। जब अगर मैं लेता हूँ तो मतलब तो फिर तो ये तुम्हें पता है अलग ही हो जाएगी बातचीत इसके अंदर, ठीक है। और भाई इसके अंदर ड्यूअल डिस्क ब्रेक है, आगे पीछे डिस्क ब्रेक है, देख सकते हैं। और यहाँ पे बॉडी लाइन का जो है खर्चा वो अगर देखें तो हाँ हल्का फुल्का क्रैक क्रूक है, वो कोई बात नहीं, वो तो सब हम करा ही लेंगे। और बाकी चलती कैसी है ये आपको आगे पता चली जाएगा। इसमें कूलेंट डलता है, मोटोल 7100 डलता है, ऑयल डालने का तो जो मई डालो बट 7100 डालो, वो बढ़िया रहता है, ठीक है। भाई ये बाइक मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक अच्छा ऑफर आया है इस बाइक को लेकर, कि भाई अगर आप बाइक आप ले लो तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि देखो ऐसा है, जिस भाई की बाइक है उसने मुझे पहले पूछा है कि भाई तुम्हें लेने तुम ले लो, ठीक है, वरना सेल तो ये होनी है तो भाई हो ही जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने ये बोला कि भाई देखो मैं बाइक ले तो लूँ, मुझे पसंद भी ऐसी बात नहीं है, बट मेरे जो भाई हैं, जो मेरी सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरी यूट्यूब की फैमिली है, उनको बाइक पसंद ये वाली है कि नहीं है, मतलब कि वो रिस्पॉन्स कैसा कर रहे हैं कि नहीं। अगर आप लोगों को ये पसंद है तो भाई कमेंट करना, अगर सही कमेंट्स आए तो अपनी 220 जो मैंने बनाई है, आपको पता है मेरे को थोड़े टाइम पर सेल तो करनी ही है उसको, तो क्यों ना अगर ये अच्छी डील मिल रही है तो फिर ये ना ली जाए, क्योंकि ये जो है ना 220 से ज़्यादा पावर परफॉर्मेंस ज़्यादा है इसकी, ठीक है। लुक वाइज भी ठीक ठीक ही है, मतलब देखो 220 का अपना लुक है, उसका अपना मज़ा है, बट इसका अपना मज़ा है भाई, ये थोड़ी सी ना और ख़तरनाक हो जाती, थोड़ी इसको और ये और ज़्यादा खतरनाक वाली बीस्ट बोलूँगा, बीस्ट तो वो भी है बट ये ज़्यादा खतरनाक वाली है, ठीक है। मैं तो तेरे लिए सेंटी होई बाली सजन, बाइक तो देखो नो डाउट भाई मेरी जो पल्सर है ना इससे थोड़ी मतलब वैसे तो वो भी सही चलती है भाई, वो 220 सीसी है, 250 सीसी है, वो एयर कूल्ड इंजन है, ये लिक्विड कूल्ड इंजन है, वो बजाज का इंजन है, ये होंडा का इंजन है, तो भाई देखो थोड़ा बहुत तो फ़र्क आएगा ही, तो इसमें पावर देखो कहीं ना कहीं ज़्यादा है, मुझे भी महसूस हो रही है कि हाँ भाई पावर है, गाड़ी गेयर शिफ्ट करो तो ऐसे हिल रही है, मतलब महसूस करा रही है कि हाँ भाई मेरे अंदर पावर है, तो पल्सर में भी पावर महसूस होती है, वो उसके हिसाब से बहुत अच्छी बाइक है, ये अपने हिसाब से बहुत बढ़िया बाइक है। ऐसा नहीं है कि मेरे को ये बाइक लेनी है तो मैं ज़्यादा तारीफ़ कर रहा हूँ, नो डाउट भाई मैं तारीफ़ उसी लिए कर रहा हूँ क्योंकि गाड़ी वाकई में तारीफ़ काबिल है। और 78,900 मतलब कि लगा लो 80,000 ऑलमोस्ट होने वाली है, तो उसके हिसाब से भी गाड़ी अभी तक इतनी चलने के बाद जिस बंदे के पास ये बाइक है अभी भी उसने हमेशा इंजन ऑयल बहुत अच्छा डलवाया, 7100 या 7100 भी अच्छा ऑयल डलवाया बंदे ने, वो इसलिए डलवाया ताकि इंजन अच्छा रहे, और इसी वजह से इसकी लाइफ जो है ज़्यादा लंबी हो चुकी है, वरना अभी तक तो ये समझ लो खुल चुकी होती। ये देखो तीसरे गियर में गाड़ी 90 टच कर गई, और लंबी जाती है तो मैंने गियर डाल दिया। बाकी मैं इससे थोड़ी कॉर्नरिंग वगैरह नहीं करूँगा क्योंकि इसका हैंडल जो है थोड़ा डाउन है, तो अपने को पल्सर की आदत पड़ी हुई है, तो इसलिए भाई मैं ज़्यादा चलाऊँगा नहीं इसको मतलब वैसे, ठीक है ना। बाकी चलने में भाई बहुत ही बढ़िया है, फील करा रही है, 90-95 हो गई, यहाँ से राइट लेते हैं फिर वहाँ से निकल जाएंगे नेहरू प्लेस से। तो गाइज रेड लाइट होने में 5, 4, 3, 2, 1, 0 लेट्स रोल, सेल्फ स्टार्ट गाड़ी, ओए होए 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 मेरे को रोड मिला चाहिए खाली, चलो भाई 1, 2, 3
भाई साहब 136 बत्ती जाती है। तो गाइस 136 तो टच हो गई थी बाइक, बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है, मज़ा आ गया चला के, होप करता हूँ आपको भी मज़ा आया होगा। फुल एक्सट्रीम चल रही है भाई, एक्सट्रीम पावर ये। तो भाई देखो मैं जो है ना रोड देख के चला रहा हूँ भाई, प्लीज़ यार दोबारा कमेंट मत करना, मतलब तुम कमेंट करो अच्छी बात है, रिस्पेक्ट करता हूँ उस चीज़ की, बट यार सीरियसली मज़ा आ गया चला के इसको। अब जैसे ये ट्रैफिक है इसमें थोड़ी चलाऊँगा, इसमें तो थोड़ी कॉर्नरिंग वगैरह हो सकती है, देखते हैं ट्राई करके हो जाएगी तो। हाँ हो सकती है भाई, हो सकती है, निम्बल है काफ़ी गाड़ी ये भी यार, ऐसा नहीं है, पावर है तो उछल ले रही, मतलब कि निम्बल समझ रहे हो ना, फुल कंट्रोल में गाड़ी। और मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरी ही गाड़ी है, मतलब जैसे मैं डेली चलाता हूँ इसको, क्या बात है। क्या बात है भाई, क्या बात है भाई। एंगल का मुझे पता नहीं है एंगल कैसा आ रहा होगा, क्योंकि ये थोड़े मेरा ना बॉडी पोस्चर डाउन है आगे की तरफ, तो मैं थोड़ा सा और ऊपर करता हूँ, नहीं ऊपर नहीं होगा, इससे ऊपर नहीं होगा भाई कैमरा हमारा, तो यहाँ से मुझे राइट लेना होगा क्योंकि मुझे अब घर जाना है, काफ़ी लंबी आ चुकी है बाइक हमारी, काफ़ी लंबी कह रहा हूँ, काफ़ी दूर आ चुका हूँ मैं, अराउंड 5-7 किलोमीटर आ गया हूँ ईच साइड, मतलब कि जाना आना हो जाएगा टोटल मेरा 12-15 किलोमीटर के बीच में चल रही है बाइक। और मैं बता रहा हूँ कैसे चल रही है बाइक, एकदम ओके चल रही है बाइक। कहाँ निकलो एम्बुलेंस, इधर चलो। बहुत ही हार्ड भाई, बहुत हार्ड, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया, स्वाद आ गया जी, स्वाद आ गया। ओ अंकल जी स्कूटी रोक लो, ओए होए 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 होए, अलग ही पावर है भाई साहब। तो भाई मैं तो फील कर रहा हूँ इस पावर को, क्या आप फील कर रहे हो वीडियो के थ्रू? कमेंट सेक्शन खुला है, बताना ज़रूर, ठीक है। और लेनी चाहिए या नहीं ये अपनी 220 ही ठीक है ये बताना मुझे भाई। मेन वीडियो जो बना रहा हूँ ना मैं, ये चला के दिखा रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ, ये मेहनत जो कर रहा हूँ वो सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग सेटिस्फाइड हो जाओ, आप लोग क्लियर हो जाओ कि हाँ भाई ये 220 हटा के ये लेनी चाहिए, फिर इसे रेडी कराएंगे। क्योंकि भाई देखो ये बाइक जो है ना चलने में मेरे मतलब की है, लेकिन दिखने में मेरे मतलब की नहीं है, क्योंकि आपको पता है मेरे को गाड़ी चाहिए चकाचौंध, समझ रहे हो ना, फुल चार चांद वाली, तो जहर बना देंगे इसको अगर मैं लेता हूँ तो। लेकिन हाँ इसको मैं ओरिजिनली बनाऊंगा, मतलब बॉडी लाइन वाइज ओरिजिनल रहेगी, दिखने में ओरिजिनल लुक होगा, लेकिन जो इसके कलर कंट्रास्ट होंगे वो थोड़े से कस्टम होंगे, थोड़ा सा रैपिंग वगैरह ज़्यादा होगी। इस बार मैं शारिक भाई के पास नहीं जाने वाला, शारिक भाई से हम बॉडी चेंज नहीं कराएंगे इस बार, इसमें अगर कराते हैं तो, मतलब अगर ये लेते हैं तो, क्योंकि भाई देखो पल्सर थी वो जेन्युइन बना दी, इसको जेन्युइन नहीं बनाऊंगा, इसको मैं सोच रहा हूँ मैं कुछ अलग ही कलर दूंगा, दो कलर में, तो वो ज़्यादा लुक बेटर आएगा इसका। बाकी व्हील्स वगैरह पेंट कराएंगे वो टाइम के अकॉर्डिंग, हाँ अगर आप बोलते हो तो, मतलब इतना लंबा जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप बोलते हो कि हाँ भाई लेनी चाहिए तभी लूँगा। और एक जो ये वीडियो है ये एक वीडियो और बनाऊँगा इसके ऊपर, ठीक है। तो भाई दोनों वीडियो में अगर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तभी मैं ये बाइक परचेज करूँगा, अदरवाइज़ ये वाली बाइक हम छोड़ देंगे। और अगर किसी मैंने नहीं ली तो तुम में से किसी को चाहिए हो तो भाई बता देना मेरे को, डीएम कर देना, मैं तुम्हें वैसे दिलवा दूंगा बाइक की, ठीक है। तो रोड खाली है, भगाते हैं इसको। क्या बात है, क्या बात है, बूम। तो भाई इसके अंदर 6 गियर हैं, ये लगा लो, छठा गियर डलते हैं ना गाड़ी कहती है अब भागने दो मुझे, अब नहीं रुकूंगी। फिर हम बोलते हैं ओ सियाणी मत बन, ये री ब्रेक। तो चलो भाई रेड लाइट रुकिए, आगे कंटिन्यू करता हूँ। ये हाँ भाई कैमरा है, यहाँ से ऑन है, किल स्विच यहाँ से ऑन है। तो क्या सीन है कि इसकी जो मोटर है ना, मैं हाथ लगा रहा हूँ तो फील हो रही है, जो इसके अंदर फ्यूल पंप है वो काम कर रहा है, अभी तक काम कर रहा है, गाड़ी हालांकि स्टार्ट नहीं है, 4 सेकेंड रह गए यहाँ पे, अगेन दोबारा ये स्टार्ट हो गई भाई यहाँ पे। चलो भाई लेट्स रोल। तो बाइक अब मैं भगाऊंगा नहीं, अब थोड़ी सी बात कर लें क्योंकि वीडियो एंड करने का टाइम आ गया है। तो बाइक का जो फ्यूल पंप है वो ऑन रहता है, किल स्विच ऑन होने के बाद ऑन ही रहेगा जब तक बाइक स्टार्ट नहीं होगी, स्टार्ट होगी तब भी ऑन रहेगा, तो मतलब ऑन ही रहेगा। जैसे मेरे पहले डोमिनर थी ना, वो एक बार टिंग करके स्टार्ट हुई और मतलब पंप स्टार्ट होता है और दोबारा बंद हो जाता है, ठीक है।
इसमें क्या है, इसमें ऑलवेज ऑन रहेगा, चलता ही रहेगा, ऐसा मैं फील कर रहा हूँ। शायद इसके कनेक्शन ऐसे ही होंगे या फिर जो भी है, मतलब मुझे नहीं पता, बाय डिफॉल्ट जो भी है मुझे नहीं पता, वो भैया से पता कर लेंगे जिनकी बाइक है। और बाइक जो है नो डाउट अच्छी है। इसका बस एक पेट्रोल का कांटा जो है वो ब्लिंक कर रहा है, या तो पेट्रोल इसमें कम है या फिर कांटे में कोई प्रॉब्लम है, मुझे नहीं पता, बट वो चेक करा लेंगे जो ऐसा भी कुछ होगा अगर लेते हैं तो। भाई आपका काम ये है, आपको एक टास्क समझ लो ये दे दिया है मैंने कि भाई बताओ मुझे लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। और बाकी चल कैसी रही है ये आपको पता चली गया होगा, मैंने आपको बता ही दिया भाई, मैं खुद फील कर रहा हूँ। ये लगा लो, अभी हाथ लगा रहा हूँ चेस्ट पे तो थोड़ा सा दिल ना ऐसा हो रहा है मतलब मज़ा आता है। देखो भाई हाथ में पावर आती है ना तो उसकी फीलिंग्स अलग होती हैं, तो उसके चक्कर में हार्ट बीट जो है ना खुशी के मारे बढ़ जाती है। ओए होए, बाकी मौसम दिख रहे हो, फुल बादल, ओए होए, फुल सीनरी वाला सीन लग रहा है यहाँ, थोड़े इधर हरे हरे पेड़ होते ना, ओए होए होए, मज़ा ही अलग आया था, है ना। ये वाला जो है क्लाउड कितना बढ़िया लग रहा है, और सामने फिर दोबारा रेड लाइट मिल गई हमारे को, चलो अच्छा है 5 सेकंड की रेड लाइट है। तो भाई बताना ज़रूर कि मेरे को लेनी है या नहीं लेनी चाहिए जो भी है। बाकी निकलते हैं यहाँ से घर की ओर, कहाँ से चलें कहाँ चलें, चलो यहाँ चलते हैं। ओए हो, फुल उछलन पांडे हो रही है, उछलन पांडे। तो गाइज कालका जी क्षेत्र में आपका स्वागत है हमारी वीडियो के थ्रू। और जैसे कि आप बोर्ड देख रहे हो कालका जी डबल स्टोरी, ये डबल स्टोरी है, बट मुझे कालका जी आगे जाना है। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। अरे ये तो मैं लास्ट वाली लाइन पहले बोल दी, चलो पहले वाली लाइन पहले बोलते हैं। तो गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करना है, आपको लाइक करना है, कमेंट चुकाना है एक प्यारा सा कि भाई बाइक कैसी लगी आपको, बाइक नहीं लेनी तो भी कमेंट करना, और बाइक लेनी है तो भी कमेंट करना। और जो भाई बिल्कुल दिल से चाहते हैं कि हाँ मैं बाइक ले लूँ, तो भाई उनके लिए इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, फटाफट से जाओ मुझे फॉलो कर लो और DM चुकाओ कि भाई आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, जो भी आपके सजेशन है मेरे को बताओ। और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, बढ़िया बढ़िया वीडियोस आती रहेंगी। अब तो देखो लॉकडाउन खुलने वाला है कुछ टाइम बाद, तो जहाँ तक मिलता है 1-1.5 महीने के अंदर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, वैक्सीन वगैरह आ जाएगी। जैसी वैक्सीन आ जाएगी लॉकडाउन खुल जाएगा, तो उसके बाद भाई चाहे 220 हो, चाहे मैं नई स्प्लेंडर खरीद लूँ आने वाले टाइम में, क्योंकि स्प्लेंडर मुझे नई लेनी है, तो जो कमेंट चल रही है बहुत टाइम से वो तो मैं करूँगा पूरा, बट थोड़ा सा भाई पैसों का चक्कर है। अगर मैं ये बाइक लेता हूँ तो भाई अच्छी, मतलब सिंपल सी बात है कि मेरे को अपनी स्प्लेंडर, अपनी जो पल्सर है वो बेचनी पड़ेगी। तो अगर मैं बाइक ये वाइक लेता हूँ तो भाई मुझे बेचनी भी है, फिर मुझे उसके लिए भी DM करना आप, क्योंकि भाई मुझे बेचनी तो है ही, वो इतने पैसे तो है नहीं कि भाई ये भी ले लूँ और वो भी रख लूँ। तो ठीक है, बाकी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, राइड सेफ, राइड हार्ड, फुल एंजॉय करो, बड़ों की रिस्पेक्ट करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वाह।